हमीरपुर जिला में शराब के ठेकों को रिहायशी इलाकों में खोलने के लिए विरोध बढ़ता जा रहा है और अभी सोहल पंचायत में शराब ठेका का विरोध खत्म नहीं हुआ था कि अब शराब ठेके को सोहल की जगह मझोट गांव में खोलने पर ग्रामीणों ने विरोध जताया है। मझोट गांव के ग्रामीणों द्वारा शराब का ठेके को मझोट गांव के ग्रामीणों ने शराब के ठेके को गांव के पास खोलने के विरोध में आज जोरदार नारेबाजी की और ठेके के बाहर धरना भी दिया। शराब ठेके के बाहर लोगों ने अपना धरना प्रदर्शन करके अपना विरोध दर्ज करवाया है। ग्रामीणों का कहना है कि कुछ साल पहले भी मझोट गांव में शराब का ठेका हुआ करता था, लेकिन ग्रामीणों ने इसका विरोध दर्ज कर यहां से हटवाया था और अब दोबारा से यहां पर शराब ठेका खोलने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर जिला प्रशासन कोई कदम नहीं उठाता है तो ग्रामीण उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। महिलाओं का कहना है कि शराब ठेका गांव के पास खुलने से लोग नशे के आदी बन रहे हैं, इसलिए महिलाएं इसका विरोध कर रही हैं। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि शराब ठेके को यहां पर खुलने नहीं दिया जाए। सरस्वती महिला मंडल हरिजन बस्ती मझोट से प्रधान हूं और यहां पर पहले सोहल पंचायत में ठेका खुला था, फिर उससे उसकी कार्रवाई करने लगे सभी इकट्ठे होकर। सारे महिला मंडल यानी कि 6 महिला मंडल है हमारी पंचायत में, सभी इकट्ठे होकर यहां पर मना कर रहे थे कि हमारी पंचायत में ठेका नहीं होना चाहिए। उसके बावजूद भी इन लोगों ने हमारी मझोट में यानी कि हमारी मझोट में 2 महिला मंडल है, एक हरिजन बस्ती में है और एक जो है वो अपर मझोट में है जिनके खतरियों का है, तो 2 महिला मंडल है। तो यहाँ पर साथ में आंगनबाड़ी भी है, बस स्टैंड है और साथ में थोड़ा सा छोटा सा मंदिर है और घर में है साथ में, तो हमें बहुत दिक्कत होती है। देखो अब सोहल पंचायत से बंद कर रहे हैं ठेका और मझोट में ये जो कि लाला कृष्ण चंद है वो अपनी दुकान दे रहे हैं, उनको हमने मना किया था कि यहाँ पर दुकान मत दो और ठेका यहाँ पर हम नहीं खोलने देंगे। और यह हमारा गांव जो है वो आदर्श गांव है, 10-12 साल पहले यहाँ पर ठेका था, उसको हमने बड़ी मुश्किल से यहाँ से उठाया था ताकि हम लोगों को बड़ी परेशानी होती थी यहाँ पर आने जाने की, छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़ी मुश्किल दिक्कतें आती थी यहाँ पर। जब यहाँ से उठाया तो सवाल में खोल दिया। अब हमने सभी गांवों ने इकट्ठे होके यही बेनती किया कि इस पंचायत से ठेका उठाया जाए, तो बरजा भी आए हैं, कल भी गए थे इकट्ठे होके कि हमारी पंचायत से हम आपसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ से उठाया जाए। उन्होंने बोला अब उनकी अभी तक बात चली थी हमारे साथ और इन्होंने ठेका यहाँ पर रात रात ही रख दिया यहाँ पर सामान सारा आके। कदे हम सभी देख रहे हैं यहाँ पर, आप देख ही रहे हैं कि कितनी पब्लिक इकट्ठी हो गई है और कल से हम यहाँ पर चक्का जाम कर देंगे, ना बस यहाँ से निकलने देंगे ना किसी को भी आने जाने देंगे। फिर डीसी साहब खुद यहाँ पर आए और हम सबसे बात करें। सही बात नहीं है, बहुत ही ज्यादा गलत बात है। पंचायत में चल रहे 10-12 दिन से शराब के ठेके को बंद करने के बारे में चर्चा चली हुई है। डीसी साहब के पास जा भी रहे हैं, औरतें वहां पे बैठी हुई भी थी, धरना दिया हुआ था। कल सभी औरतें अपना अपना वो लिख के लेके गई थी, महिला मंडल के साइन करवा के लेके गई थी अपनी एप्लीकेशन, तो वहां पे डीसी साहब ने कहा कि अभी तक तो जो ठेका है वहां पे नहीं खुलेगा, यहाँ पे पंचायत में ठेका नहीं खुलेगा, अगर खुलेगा तो हम आपको बता देंगे। अगर अभी तक तो वैसे बंद है, अगर उसके बाद अगर ठेका खुलता है तो उसके तुरंत बाद आप हमारे से बात करें, हम उसके ऊपर एक्शन लेंगे। वैसे अगर ये हम ठेका खोलते हैं तो जो महिलाएं जो है वो बहुत ज्यादा आक्रोश में है, महिलाएं कुछ भी कर सकती हैं, मारपीट के ऊपर भी आ सकती हैं, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। पहले भी ठेका था तो सभी औरतें बोल रही है कि पहले भी बड़ी मुश्किल से बंद करवाया था और अब यहाँ पे ठेका नहीं खोलना चाहिए क्योंकि नहीं तो हम चक्का जाम कर देंगे, हमारे न्याय के बिना कहीं भी ठेका नहीं खुलेगा और इन्होंने रातों रात जो है ठेका यहाँ पे खोल दिया है। तो इससे बेहतर यह है कि जैसे औरतें बोल रही है कि ठेका नहीं खुलना चाहिए, पहले भी अच्छी था, ऐसा बिल्कुल नहीं खुलना देना ठेका, कोई जरूरत नहीं ठेके खुलने की, क्योंकि पहले हमारे गांव मझोट में ठेका खुला था, ये हमने बहुत मुश्किल से बंद करवाया, उसके बाद सोहल में ठेका खुल गया, वहां से हमने बंद करवाया और फिर दोबारा इन्होंने ठेका या मझोट में खोल दिया, क्योंकि इसके साथ आंगनबाड़ी केंद्र है, साथ में मंदिर है और साथ में बस स्टैंड है। यहाँ पर ठेका यानी कि हमारी पंचायत में ठेका बिल्कुल नहीं खुलना चाहिए, हमारी पंचायत सोहल पंचायत है जिसमें ठेका जो है बिल्कुल खुलना नहीं चाहिए। डीसी के पास सभी औरतें गई, हम सभी गए, उन्होंने किया कि नहीं आपकी पंचायत में ठेका नहीं खुलेगा, उसके बावजूद रातों रात हमारी पंचायत में ठेका खुल गया। इसलिए हमारा अनुरोध है प्रशासन से कि ठेका हमारी पंचायत में बिल्कुल नहीं खुलना चाहिए और हमारा गांव आदर्श गांव है।